हंसी आ रही यार। यार ऐसे ऐसे देखो एक बात बताओ, अगर वो 15 रुपए का मेडल उनके लिए होगा क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, और ये खिलाड़ी जो वो 15 रुपए की जो मेडल बोल रहे हैं जिस पर 140 करोड़ जनता को नाज है उस मेडल पर, तो उस मेडल का अपमान करने वाले की बात मैं क्या करूँ? किसे नाज है? हम इन खिलाड़ियों पर नाज है यार, बीजेपी को नाज ही नहीं है, इन्हें भी नाज नहीं कह रहे हम। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैं जनता है हम, और यहाँ जनता ही आ रही है, तो 24 के अंदर हम हर चौराहे पर खड़ा होकर के और उनको कहेंगे, 9 साल से यही कर रहे हैं आप लोग, हर चौराहे पर खड़ा होकर के हम जनता उनसे कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आगे जो हमने पलकों पे बिठाए थे कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, दावों में तेरी कोई जोर नहीं है, उदावे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो हर चौराहे पर 47 के बाद, हर चौराहे पर हम जनता खड़े होंगे, 47 के बाद ना यही कहेंगे, 47 के बाद यही कहेंगे, 47 के बाद 47 में तुम 14 में आजाद होते हो, 47 में पहुंच जाते हो, यही तुम्हारी समस्या है। 47 तक वे प्रधानमंत्री रहेंगे, 50 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, 47 तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? वो 50 साल रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? आप रोड पे रहेंगे, रहेंगे। आपको ये बताइए, कांग्रेस मुख्यालय से आ रही है ना लाइनें लिखी हुई? हाँ हाँ, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय पर तुम भी तो औंधे मुंह पड़े थे, तभी तो देख लिए। भाई भाई थोड़ा नीचे कर, समझे भाई? ये सब बातें जनता जब अपनी दर्द बता रही है तो तुम्हें कांग्रेस मुख्यालय नजर आ रहा है, बीजेपी मुख्यालय नजर आ रहा है, कितना दर्द छिपाए हुए हैं बता निकाल दीजिए। ये मेरा दर्द नहीं है, हम सब 140 करोड़ का दर्द है, उसी मोदी जी भी हैं, उसी मोदी जी उसमें रहते तो हम 140 करोड़ को देखते और यहाँ बेटियों को नहीं बिठाते, समझे ना? और बहुत ज्यादा आप हंसो मत, ये भी आपकी भी है ना यार भाई, इनकी बात करो आप, हाँ इनकी आवाज बताओ। आप 15 रुपए की मेडल बता दिए तो आप खुश हो गए और मेरे पास आ रहे भाग के, उनसे ये पूछते हैं कि 15 रुपए का मेडल, फिर 140 करोड़ जनता जो है उस मेडल पर नाच कर रही थी, तुम ऐसी बात किए तो आप उस मेडल का अपमान किए नहीं किए, ये आप बात पूछना चाहिए। 5 जून को रैली निकालने, महारैली कौन? ब्रजभूषण जी 5 जून को, ठीक। अरे यार ये आप पत्रकार सुनिए ना, पत्रकार साहब, ब्रजभूषण भी इस देश का जनता है, नागरिक है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो सबको अपना संवैधानिक अधिकार है रैली धरना करने का, तो उस पर वो जो दिखाए दिखाए, हम जो दिखा रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। 24 में हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हाँ 24 में मंदिर भी खुल रहा है, तो बनाइए ना, चैलेंज कर रहे हैं 2024 में हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनाओ बनाओ, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्या कहेंगे, बनाओ देखेंगे हम। बाबा जी गुजरात जा रहे हैं बिहार के बाद, कैसे देखते हैं कि भैया सब पूरा देश को इकट्ठा कर रहे हैं? कौन? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, चमत्कारी बाबा, स्माइल आ गई, क्या बात है, पसंद है आपको? हाँ हाँ हाँ, वो इसलिए मालूम है क्या बॉस, आप मेरे को हंसी धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं आ रही, आप लोग मीडिया बंधु पर आ रही है कि इस एक लोकतांत्रिक देश को आप कहाँ लेके जा रहे हो, इस पर हंसी आ रही है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो करके आप दीमक की तरह चाट रहे हो हमारे देश को, तो आप खुद भी एक पिलर हो, जैसा आप, अगर आपका एक पिलर गिरेगा ना तो पूरा घर गिर जाएगा, आपको ये अकल नहीं आनी चाहिए। हमारे हिसाब से सर सुनिए ना, धीरेन्द्र शास्त्री दिखा रहा है, मेरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री देश है, देश है क्या? इतने लोगों को लुभावित कर रखा है हिंदू राष्ट्र बनाओ यार, कह रहे एक बनाओ। आप भीड़ देखकर मत जज कीजिए, हमारे देश में ना मोहल्ले में एक लुंगी बेचने वाला भी आता है ना तो 15 लोग वहाँ खड़े हो जाते, भले लेना ना हो।
जनता फ्री है देश की। हाँ जनता यही करती रहे लुंगी नहीं, जनता नहीं, मैं अभी बताया ना, जनता 24 मार्च चौराहे पर खड़े होगी और पूछेगी और कहेगी कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार। आपकी आवाज बहुत लोग सुनते हैं तो आवाज, मैं अपनी जनता को यही मैसेज दे रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, दर्द बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं कुछ बातें करता हूँ ना तो आप लोग वो मेरी बात पूरी नहीं होने देते हो, इसलिए मेरे को थोड़ा दुख होता है आप लोगों से। सुनिए, मेरा एक दोस्त है, हाँ बीजेपी समर्थक है, तो हमें अभी मिल गया था, तो मैंने मतलब अभी क्या है, हम भी जनता आप ही लोग के बीच के, और भारत के अंदर चाय के और पान की दुकान पर राजनीति होती है, तो चाय की दुकान पर मैं खड़ा था तो दिख गया, तो मैं बोला चलो चाय का प्रबंध रोज हमसे ये करता है, आज मैं इससे करता हूँ। तो मैंने बोला भाई अच्छे दिन आ गए, तो बोलता है, मेरे को देख के वो अहमद हो गया, बोलता है यार ये तो कभी सपोर्ट नहीं करता सरकार का और ये बोल रहा अच्छे दिन आ गए। तो मैंने कहा कि यार पहले जो 10,000 लोग कमाते थे आज 15,000 कमाने लगे, तो बड़ा खुश हो गया, गदगद हो गया, तो मेरे को चाय के साथ समोसा भी ऑर्डर कर दिया। तो मैंने हाँ हाँ तो मैंने समोसा तो चपाचट किया और चाय भी घुटक लिया। अच्छा। और उसके बाद मैंने जब हम बाहर जब हो गया नाश्ता, तो मैंने कहा कि यार देख पहले हम 10,000 कमाते थे तो 2,000 बचा लेते थे, आज हम 15,000 कमा रहे हैं तो 2,000 कर्जे में आ जा रहे हैं। अच्छा। तो उसका जो है ना मुंह बहुत छोटा हो गया। तो हम लोग जब जब हम जाने लगे तो दुकान वाला बोल रहा है भाई साहब आपका 2,000 रुपये उधारी हो गई है। तो मैं देख करके मैं थोड़ा ये हो गया, नुकसान में इसलिए तो मेरे को उसने कहा, मैंने कहा देख भाई ये जो तुझे 2,000 का उधार दिया इसने, वो 2014 के पहले की जो छवि थी उस पर दिया था, और आज के छवि पर 200 रुपया कोई उधार नहीं देगा। ये एक बात बताइए, सावरकर का जन्मदिन 28 तारीख को है, उसी तारीख को जो है संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, तो ये आप उनसे पूछिए ना यार। अरे देशभक्त है वो, थे वो कौन थे ना? अच्छा देशभक्त थे, जीवन कुर्बान कर दिया आजादी में। किस पे? बुलबुल पे के पंख पे बैठ के? आप बताइए, आप नहीं जानते हैं? नहीं हम नहीं जानते, हम ये हमारे बच्चे यही तो अब इतिहास पढ़ने वाले हैं कि बुलबुल पर बैठ के कोई देश भ्रमण करता था, बाद में बोलोगे कि किसी और को निकाल के लाओगे, फिर कुछ दिनों के बाद अब बोलोगे वो चूटी पे बैठ करके चला जाता था अमेरिका। तो ये सब बातें हैं ना मनगढ़ंत, हम जनता को नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। उस संसद भवन की बात कर रहे हो ना, तो जो हमारा पुराना संसद भवन था, उस संसद भवन आज़ादी के बाद की संसद भवन की देन है कि आज हम सशक्त परमाणु देश बन गए। नया संसद से तो कोई फायदा नहीं है, अगर जो नया संसद का जो पैसा था वो जनता के हित में लगा होता तो जनता को फायदा होता। अब पुराने संसद ने देख लिया कि हमने एक से एक आविष्कार करते चले गए, तो पुराने संसद से नए वाले से विश्व गुरु बनेंगे। हाँ, और विश्व गुरु में हम पकौड़ा तलेंगे, ठीक है ना, नाले से गैस निकालेंगे। क्या बात करते हो, गुलामी की निशानी थी वो खत्म कर दी मोदी जी ने। सही बात कर, सही बात कर, वो तुम गुलाम थे, तुम 2014 में आजाद हो गए, तो बोलोगे ही। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं मोदी जी, हाँ अमेरिका टूर पे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ टूर करने में उनको क्या दिक्कत हो रही है तो ये आप पूछो ना साहब, जवाब ज्यादा होंगे ना। यही बात है, तो आप पूछना चाहिए ना सर, आप मिलते नहीं है ना, वो आप मिल जाते आप, इसलिए आपको लपेट लेते हैं। इसीलिए हम यही तो हम जनता कह रहे हैं कि हम आपको आसानी से मिल जा रहे हैं जनता, और हमें ही आप लोग कूट दे रहे हो। नहीं कुछ नहीं दे रहे हम, तो कूट दे रहे हो, कूट कहाँ, छेड़ा भी नहीं है आपको, छेड़ा आपको दौड़ा दौड़ा के छेड़ रहे हैं, छेड़ा ही नहीं है, आपको पसंद करते हैं लोग इसलिए आपके पास। देखिए जो मेरे आप लोग के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से मुझे जितने भी लोग पसंद कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे ही आज उनका धन्यवाद भी करता हूँ, और उनको ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो बच्चियाँ बैठी है ना, ये पूरे देश की बच्चियाँ बैठी है, और मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, जनता हमें ना, जनता को हम सत्ता जो है एकदम बेवकूफ़ समझिए ना, तो 24 में हम उनको समझा देंगे।